પાકિસ્તાનના કરાચી બંદરથી ડ્રગ્સ લઈને આવેલા શખ્સો કચ્છના માર્ગે માલ લાવીને આ ડ્રગ્સ ઉત્તર ભારતમાં સપ્લાય કરવાના હતા એજન્સીઓએ જોઈને આરોપીઓને ડ્રગ્સના પેકેટ દરિયામાં નાખવાનો અને ભાગી જવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાથી ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો જેમાં ત્રણ જેટલા પાકિસ્તાની ખવાયા છે જે પૈકી બે રિકવર થઈ જતા કુલ માછીમારોને ભુજની એનડીપીએસ કોર્ટમાં ચૌદ દિવસના રિમાન્ડની માંગ સાથે એટીએસ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવતા કોર્ટે નવ દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે આરોપીઓને અમદાવાદ એટીએસ કચેરીએ લઈ જઈને ડ્રગ્સ મોકલનાર મુસ્તફાના નેટવર્ક સહિત સ્થાનિકે માલની ડિલિવરી લેવા આવનાર શખ્સનું નામ ઓકાવામાં આવશે જૈસ કે એટીએસ ગુજરાત કો 23 થર્ડ એપ્રિલ કો એક ઇન્ટેલિજન્સ મિલી કે પાકિસ્તાન સે કરાચી બંદર છે ભારત દેશ કે અંદર ભારતીય જળ રાશિ કુછ લોગ જો કોન્ટ્રાબેન્ડ હેરોઈન ડ્રગ્સ હિન્દુસ્તાન કરુસ્તાનની જળ સીમા આ રહે इसी इंटेलिजेंस के बेस पर हमारे गुजरात एटीएस के अफसरों ने इंडियन कोस्ट गार्ड के अफसरों से कोलाब्रेशन करके इनके साथ जबकि जिस तहकीकत पर ये इंटेलिजेंस मिली थी वहाँ पर हमारे ए और कोस्ट गार्ड के अफसर वहाँ पर मदद दरी है जो कि मिर्ची के अंदर गए और वहाँ पर जबकि भारतीय जड़ राशि के सात नोटिकल माइल अंदर ये लोग आ चुके थे इन पाकिस्तानी बोट जो कि जिसका रजिस्टर नंबर था और इसका नाम था अल हाजिक एटीन बी एच इसका रजिस्टर नंबर है इस रजिस्टर नंबर वाली बोर्ड के जरिए ये लोग हेरोइन भारतीय जड़ सीमा में लाकर के अंदर आए थे जबकि इंडियन कोस्ट गार्ड ने इनको वॉर्न किया अपने इंडियन कोस्ट गार्ड के बोट और साथ ही अपने ए के अफसर को देख के इन लोगों ने भागने की कोशिश की वापस पाकिस्तान जड़ सीमा के अंदर जाने की कोशिश की मगर तब हमारे कोस्ट गार्ड ने 206 राउंड वेपन से फायर करके इनको अलर्ट किया इसी फायरिंग के दरमियान जो कि इस अल हजी बोर्ड का जो टंडेल है जिसका नाम है गुलाम उमर कच्ची वो इंजर्ड भी हुआ इनको अभी सिविल हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट है और इनके सिवा आज जो आठ पाकिस्तानी पकड़े गए थे कोस्ट गार्ड ने ट्वेंटी फोर्थ और ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल को मिडनाइट इनको जब सी से बाहर यहाँ पर जखू पोर्ट के ऊपर लाया गया तब इनको एटीएस के हवाले किया आफ्टर दैट पूरी पंचनामा की प्रोसीजर करके एटीएस गुजरात ने इन लोगों के अगेंस्ट में ट्वेंटी अप्रैल को एक गुना दर्ज किया आईटीएस पुलिस स्टेशन में और आफ्टर दैट इन सभी नौ पाकिस्तानी जो कि कॉन्ट्राबेड हर लेकर थे इनको अरेस्ट किया अरेस्ट होने वाले में अहमद अली नूर मोहम्मद शेर अकबर अली ईसा कच्छी शाहिद उमर कच्छी मुसा उमर कच्छी वासिम ओस्मान गनी कच्छी माणक शहजाद फकीर मोहम्मद नारेजा आबिद सिद्दीक कच्छी लाडक मोहम्मद अनवर मोहम्मद उस्मान सिंधी मेमण और इनके साथ जो बोट का टंडेल था जो कि बोट को वापस पाकिस्तान जर्सी में ले जाने की जिन्हें कोशिश की थी ऐसे गुलाम उमर कच्ची इन नौ को नौ में से आठ को अरेस्ट किया और जो एक कच्ची जो टंडेल है इनको अभी अंडर ट्रीटमेंट है और आज इन सबको हमारे एन स्पेशल कोर्ट में इनकी पेशगी की गई वहाँ पर ए टी एस गुजरात की ओर से प्रोसिक्यूशन की ओर से हमारी रिमांड की मांग थी और रिमांड में हमने यही बताया था कि ये जो नौ लॉक कैरियर एजेंट है जो माल पाकिस्तान के कराची से इंटेलिजेंस के बेस पर यहाँ पर आया वो गुजरात के कौन से एरिया में और गुजरात के साथ साथ अदर जो अपने स्टेट है स्टेट में कहाँ पर ये माल को डिस्ट्रीब्यूट करना था या इनके ये माल की डिलीवरी लाने वाले और कौन लोग है एज़ वेल एज़ जिन लोगों ने माल मंगवाया इनका फाइनेंशियल कॉमोडेशन की आर्थिक जो इसकी मदद कौन कर रहा है वो भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है इसके साथ साथ इनके साथ, -साथ, -साथ -सा इंटरनेशनल जो ड्रग माफिया और जो एंटी टेररिस्ट जो लोग हैं वो उन लोगों का कनेक्शन इन कैरियर एजेंसी और कैरियर एजेंस के साथ साथ जिन लोगों ने वहाँ से माल भेजे इनके साथ क्या है ये सभी इन्वेस्टिगेशन का विषय इसी तौर पर आज हमने स्पेशल एन डी कोर्ट से हमने मांग की रिमांड की और कोर्ट के सामने हमने यही रखा कि जब ये लोग नौ पाकिस्तानी जब इन लोगों को हमने अरेस्ट किया है तब इनके पास से पाकिस्तानी करेंसी की अट्ठारह की करेंसी नोट दो मोबाइल फ़ोन और इन सभी पाकिस्तानी जो लोग हैं इनके आइडेंटिटी कार्ड भी ए गुजरात ने मरम्मत किए हैं एज वेल इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमें यह भी देखना है कि ये जो अलहज नाम की बोट है उस बोट का मालिक कौन है ये माल इंटेलिजेंस के बेस पर साउथ दिल्ली की ओर जाने वाला था या इनके साथ गुजरात के साथ साथ गुजरात केरी के साथ अपने देश के कौन से राज्य के अंदर ये माल जाना था और कोई माल ऐसा किस प्रकार से यहाँ भेजा गया है कैसी एजेंसियाँ इंटरनेशनल जो ड्रग्स माफिया के साथ जुड़ी हुई एजेंसियाँ इनके साथ जुड़े हुए लोग या एंटी टेरिज्म के साथ जुड़े हुए कौन से ये लोग इनके साथ जुड़े हुए ये सब हमारी आज कोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट थी और इसी ग्राउंड पे हमारी डिमांड थी कि इनके हमें रिमांड मिले स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस कोर्ट ने आज हमें तारीख पाँच मई तक शाम को पाँच बजे तक नौ दिन के रिमांड आज हमें दिए स्पेशल जज मिस्टर सीएम एम पवार ने आज शाम को हमें ए टी एस को ये आठों आठ आरोपी की कस्टडी रिमांड के लिए हमें दी है सर खास करके बात की जाए कौन से कोड वर्ड में ये ड्रग्स जो है पहुंचाने वाले जबकि इंटेलिजेंस के बेस पर ये लोग जब अलहजी बोर्ड से भारतीय जड़ सीमा के अंदर भारतीय जड़ राशि के अंदर आए तब पाकिस्तान से जो इनको कोड मिला था इंडिया के अंदर हमारे जड़रासी में रिसीव करने वाला वो कोड था मिस्टर काली का और इनकी ओर से जो इनको कोड मिलने वाला था मोहम्मद का कोड था तो इसी कोड पर चैनल 88 पर इन लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी मगर ये अच्छा है कि इंटेलिजेंस के बेस पर हमारी सेंट्रल और स्टेट की दोनों एजेंसी जड़रासी के अंदर जा करके डिलीवरी से पहले इनको जबकि इनको अरेस्ट कर लिया कौशिक रिपोर्ट कच